बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल देखी थी और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये यूजर और कंप्यूटर के दरमियान इंटरफेस प्रदान करता है, यानी यूजर और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है। और आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस की टाइप्स क्या होती हैं, CLI और GUI यानी कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के डिफरेंसेस देखेंगे और साथ के साथ इनके प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, यानी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि कमांड लाइन इंटरफेस किस तरीके का दिखता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस तरीके का दिखता है। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज यूजर इंटरफेस। दोस्तों, इंटरफेस के मानी होते हैं मीडियम जिसके थ्रू हम अपनी बात किसी को समझाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया इंटरफेस। बिल्कुल ऐसे ही जब आप यानी यूजर कंप्यूटर को कोई बात समझाना चाहते हैं या कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप जिस मीडियम को यूज करेंगे वो कहलाएगा यूजर इंटरफेस। इन शॉर्ट, यूजर इंटरफेस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप और कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सके। और ये देखिए, अ यूजर इंटरफेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट यू यूज टू कम्युनिकेट एंड कंट्रोल द कंप्यूटर। यानी दोस्तों, याद रखें कि यूजर इंटरफेस सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं होता बल्कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर एक इंटरफेस बनाते हैं। जैसे आप माउस से किसी आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस एक हार्डवेयर है और कंप्यूटर में मौजूद है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि है सॉफ्टवेयर। इस तरह एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर यूजर और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, कोई भी यूजर दो तरीकों से कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकता है, कंप्यूटर से बात कर सकता है, यानी दो तरह के इंटरफेस कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करता है। तो उसमें नंबर वन है कमांड लाइन इंटरफेस एंड द सेकंड वन इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और आइए देखते हैं कि ये कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होते हैं। तो कमांड लाइन इंटरफेस, दोस्तों कमांड लाइन इंटरफेस को CLI भी कहा जाता है और करेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। और ये कुछ इस तरह का ब्लैक स्क्रीन होती है जिस पर व्हाइट कलर के करेक्टर्स लिखे हुए होते हैं। और दोस्तों, इसको कमांड लाइन इंटरफेस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब किसी कंप्यूटर में हम सभी तरह के काम ऑपरेशंस करेक्टर के थ्रू परफॉर्म करवाते हैं, यानी करेक्टर्स को टाइप करके या कमांड्स को टाइप करके हम किसी भी काम को परफॉर्म करें तो इस तरह के इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है। यानी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने का, बात करने का जो वाहिद मीडियम है इस इंटरफेस में वो है कमांड्स। यानी CLI में आपको हर तरह का काम कमांड देकर करवाना होगा, कैसे ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। इसके बाद है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को GUI भी कहा जाता है। GUI में अगर आपको कोई भी टास्क करना है तो वो आपको ग्राफिक्स की मदद से करना होगा। जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि इसका जो इंटरफेस होगा वो इस तरह से होगा, कलरफुल सा, अट्रैक्टिव सा। इसमें स्मॉल पिक्चर्स, आइकन्स, एरोज, मेन्यूज जिन्हें ग्राफिक्स कहा जाता है, जिनके इस्तेमाल से हम कंप्यूटर से अपने ऑपरेशन और टास्क को कम्प्लीट करवाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जहां कमांड्स को यूज किया जा रहा है वो कहलाएगा कमांड लाइन इंटरफेस। यानी जहां कमांड्स के जरिए कंप्यूटर से किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाया जा रहा है तो वो कहलाएगा कमांड लाइन इंटरफेस। और जहां पर ग्राफिक्स को यूज करके ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाया जा रहा है वो कहलाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आइए इसको मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल से भी समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीचर आपको फायर अलार्म सिस्टम समझा रही है तो एक तरीका तो ये है कि वो बोर्ड पर हर एक स्टेप को वन बाय वन लिखकर समझाएं, जो कि एक आसान तरीका है टीचर के लिए। और एक दूसरा तरीका ये है कि अलग अलग तस्वीरों और ग्राफिक्स की मदद से आपको उसकी विजुअलाइजेशन दिखाएं इस तरह से, जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। तो पहला तरीकेकार कहलाएगा कमांड लाइन इंटरफेस, क्योंकि इसमें टीचर तमाम स्टेप्स टाइप कर रही हैं, लिख रही हैं, जबकि दूसरा तरीकेकार कहलाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें स्टूडेंट्स को आसानी से हर चीज समझ आ जाए
इसीलिए टीचर खुद से मेहनत करके हर एक चीज की विजुलाइजेशन क्रिएट करेंगी, हर एक चीज की ग्राफिक्स क्रिएट करेंगी। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही आपकी आसानी के लिए, क्योंकि कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर आपको हर एक चीज कमांड लिखकर करनी होती है, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर आपको इस तरह के आइकन्स नजर आ रहे होते हैं, तो जस्ट आपको इन आइकन्स पर क्लिक करके अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना है। तो यकीनन ये डेवलपर्स के लिए इस तरह के इंटरफेस को बनाना मुश्किल तो होता है, लेकिन इस तरह के इंटरफेस से यूजर्स को बहुत आसानी होती है, इसीलिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूजर फ्रेंडली इंटरफेस भी कहा जाता है। अब आइए मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाती हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। याद रखें, अब जितने भी विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो तमाम आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही नजर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको तमाम तस्वीरें नजर आ रही हैं, यानी ग्राफिक्स नजर आ रही है हर चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक फोल्डर है, जो कि एक फोल्डर की ग्राफिक्स है, ये आइकन्स नजर आ रहे हैं। अब ये आइकन जो है ये लिखा हुआ है दी साइकिल बिन, और ये कुछ डस्टबिन की शक्ल का है। तो ये आपको ये बता रहा है कि आप इसके अंदर आपकी तमाम डिलीट शुडा फाइल्स जो हैं वो यहाँ पर जाएंगी। इसी तरीके से ये विंडोज का लोगो नजर आ रहा है, जहां पर आपको तमाम मेन्यूज नजर आ रहे हैं कि आप डायरेक्टली कैलकुलेटर खोल सकते हैं, कैलेंडर खोल सकते हैं, कैमरा खोल सकते हैं, इस तरीके से और डिफरेंट मेन्यूज हैं। यानी यहाँ पर आपको कलरफुल तस्वीरें और ग्राफिक्स नजर आ रही हैं, और इन ग्राफिक्स के जरिए आप बआसानी इस इंटरफेस के थ्रू अपने कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप GUI के थ्रू, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप जस्ट राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर आपको एक फोल्डर नजर आ रहा है, तो यहाँ से आप एक फोल्डर मकतब के नाम से क्रिएट कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम करना कितना आसान है यूजर के लिए, इसीलिए इसको यूजर फ्रेंडली इंटरफेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बआसानी यूजर, जिसको जो नया भी होगा, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भी आता, वो भी बआसानी इस पर काम कर सकता है। अब बिल्कुल ऐसे ही हमारा विंडोज जो है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस भी डिप्लॉय करता है। वो कैसे? दोस्तों यहाँ पर आप विंडोज का लोगो जो आपके कीबोर्ड पर नजर आ रहा है उसके साथ R को प्लस प्रेस करेंगे, यानी विंडोज प्लस R करेंगे, तो आपके पास ये रन विंडो खुल जाएगी। फिर यहाँ पर आप टाइप करेंगे CMD, ये मैंने टाइप किया, और ये जब मैंने ओके किया तो ये मेरे पास एक खुल गया है कमांड लाइन इंटरफेस। और ये आप देख सकते हैं कि ये एक ब्लैक कलर की विंडो है जिसके ऊपर व्हाइट कलर के कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो ये आपको ये बता रही है कि आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में नहीं है बल्कि कमांड लाइन इंटरफेस में। और अब आप कोई भी काम एक क्लिक के जरिए परफॉर्म नहीं करवाएंगे, बल्कि आपको तमाम चीजें कमांड्स लिखकर करनी होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूँ वो डेस्कटॉप के ऊपर इसी तरीके का कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मुझे अब कमांड्स देकर वो फोल्डर क्रिएट करना होगा। और वो कैसे होगा? मुझे सबसे पहले जाना होगा डेस्कटॉप पर, जबकि मैं अभी हूँ राबिया खान के फोल्डर पर। सी ड्राइव में यूजर्स का एक फोल्डर है, उसके अंदर राबिया खान का एक फोल्डर है, मैं उसके अंदर मौजूद हूँ। लेकिन अब मुझे इस डायरेक्टरी को चेंज करना है, इस फोल्डर को चेंज करके जाना है डेस्कटॉप के फोल्डर पर। तो इसके लिए जो कमांड है वो है CD डेस्कटॉप। तो ये मैं अब आ गई हूँ डेस्कटॉप के फोल्डर पर, और अब मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो इसके लिए भी कमांड है विच इज MKDIR, यानी MK रिप्रेजेंट करता है मेक डायरेक्टरी, मेक फोल्डर। और मैं कौन सा फोल्डर बनाना चाहती हूँ? मैं बनाना चाहती हूँ कंप्यूटर साइंस का। तो ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया, कंप्यूटर साइंस फोल्डर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको हर एक काम के लिए कमांड्स टाइप करनी होंगी, कमांड्स लिखनी होंगी, चाहे आप सर्चिंग करें, डिलीशन करें, कुछ राइट करना है, कुछ रीड करना है, हर एक चीज के लिए आपको कमांड आती होगी, तभी आप इस कमांड लाइन इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। तो अब आपने देख लिया कि कमांड लाइन इंटरफेस में आपको किस तरीके से काम करना है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर, यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम यूज कर रहे होते हैं, इसके अंदर कितनी आसानी से हम ये तमाम काम कर सकते हैं। तो अब आइए इनके डिफरेंसेस को देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला डिफरेंस आपको नजर आएगा, तो इसका सबसे पहला डिफरेंस है एज,
यानी आसानी। दोस्तों याद रखें, कमांड लाइन इंटरफेस में आपको हर एक छोटे से छोटे काम के लिए भी कमांड लिखनी होगी, चाहे कोई फोल्डर बनाना हो, कोई फोल्डर डिलीट करना हो। तो जो नए यूजर्स होते हैं उनके लिए CLI में काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें जब तक आपको हर एक कमांड पूरी याद नहीं होगी तब तक आप अपना मतलूबा काम नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल ये कमांड लाइन इंटरफेस है, अब मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर जाना चाहती हूँ और उसकी कमांड आपको पता है, कोई डायरेक्टरी चेंज करना चाहती हूँ तो उसकी कमांड है CD। और अगर मैं CD के बजाय CI लिख देती हूँ और डेस्कटॉप लिख देती हूँ तो देखिए क्या ये मुझे रिजल्ट फराहम करता है? नो, इसने बोल दिया कि ऐसी कोई कमांड हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर एक कमांड जब तक प्रॉपर पूरी याद नहीं होगी तब तक हम कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर काम नहीं कर सकते। इसीलिए आमतौर पर आम लोगों के लिए, मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए CLI में काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, क्योंकि इसमें हर एक काम के लिए, आपने पीछे देखा भी था कि बटन से आइकन्स आपको नजर आ रहे होते हैं, तो नए यूजर्स बहुत आसानी से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में काम करना सीख लेते हैं। और साथ के साथ क्योंकि बहुत कलरफुल होता है तो इसमें अट्रैक्शन भी यूजर्स की बढ़ जाती है, और जहां आपको अट्रैक्शन होगी वहां पर आप उन चीजों को इजीली सीख भी सकते हैं। तो इसीलिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सीखना बहुत आसान होता है, जबकि CLI को सीखना भी मुश्किल होता है और इनकी कमांड्स को याद रखना भी मुश्किल होता है। इसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है वो है कंट्रोल। दोस्तों कमांड लाइन इंटरफेस में आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम पर पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि इसमें आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है तब तक ना ही आप उसको एडिट कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं, और ना ही कोई फाइल ऐड करवा सकते हैं। जैसे हमने पीछे भी देखा था कि हमें कोई डेस्कटॉप पर अगर कोई फाइल ऐड करवानी थी तो पहले हमें CD करके डेस्कटॉप पर जाना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब तक पता नहीं होगा कि हम हैं कहाँ पर और हमें कहाँ जाना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें पूरे सिस्टम की जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी हम कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर अपना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो इससे हमें ये पता लगा कि कमांड लाइन इंटरफेस में काम करवाने के लिए आपको आपके सिस्टम पर पूरा कंट्रोल होता है, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर यूजर को उसके कंप्यूटर सिस्टम पर पूरा कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में लेकर जाती हूँ और यहाँ मैं किसी भी फोल्डर को डिलीट करना चाहती हूँ। तो अगर मैं कमांड लाइन इंटरफेस में होंगी तो मुझे उसके लिए डिफरेंट कमांड देनी होगी, डेस्कटॉप पे जाना होगा, कमांड लिखनी होगी डिलीट के लिए, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मैं गई और एक क्लिक और एक डिलीट का बटन मैंने प्रेस किया और ये मेरा फोल्डर डिलीट हो गया। इसका मतलब है कि कोई भी यूजर आपके सिस्टम में आकर बआसानी आपकी किसी भी फाइल को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी आपका आपके सिस्टम पर पूरा कंट्रोल नहीं होता। और इससे हमें एक और बात पता चली है सिक्योरिटी की। तो दोस्तों कमांड लाइन इंटरफेस पर आपका कंट्रोल ज्यादा होता है तो आप अपने सिस्टम को भी ज्यादा अच्छे तरीके से सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं, यानी कमांड लाइन इंटरफेस ज्यादा सिक्योर होता है, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर यूजर का कंट्रोल नहीं होता तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेस सिक्योर होता है। इसके अंदर आपको अपनी चीजों को सिक्योर करना, महफूज करना मुश्किल होता है। इसके बाद है मल्टीटास्किंग। दोस्तों CLI में अभी आप लोग देख सकते थे कि आप एक वक्त में कोई एक कमांड ही लिख सकते हैं, विच मीन्स आप मल्टीपल टास्क को एक साथ रन नहीं करवा सकते। आइए फिर देखते हैं, यानी यहाँ पर मुझे कोई फाइल रीड करनी है और साथ के साथ कोई फाइल डिलीट भी करनी है, किसी फाइल को एक्सेस करना है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पहले जो फाइल रीड करनी है या कोई फाइल सर्च करनी है तो पहले मुझे उसकी देनी पड़ेगी, कमांड देनी पड़ेगी, तभी जाके मैं कोई और दूसरा काम कर सकती हूँ। यानी ये सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कमांड लाइन। आप एक वक्त में कोई एक कमांड ही एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर आप यहाँ भी टास्क बार में देख सकते हैं कि यहाँ पर कमांड लाइन इंटरफेस भी चल रहा है, मेरी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, प्रेजेंटेशन भी चल रही है पावर पॉइंट पर, इसी तरीके से मैंने कोई और फोल्डर भी खोला हुआ है, यानी मैं एक वक्त में मल्टीपल काम कर रही हूँ। तो ये कमांड लाइन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको मल्टीटास्किंग की फंक्शनैलिटी फराहम करता है कि आप एक वक्त में मल्टीपल कामों को एक साथ चला सकते हैं, जबकि कमांड लाइन इंटरफेस में आप एक वक्त में
एक कमांड के जरिए कोई एक ऑपरेशन ही परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके बाद है स्पीड। दोस्तों सबसे पहले जीयूआई को देखें, यहाँ आपको ये पिक्चर्स नजर आ रहे हैं, पिक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये मेन्यूज नजर आ रहे हैं, ये तरह तरह के कलर्स नजर आ रहे हैं। कोई भी आप चीज खोलते हैं तो आपको हर चीज बहुत ज्यादा कलरफुल नजर आ रही है, विच मीन्स इसमें आपको हर जगह ग्राफिक्स ही ग्राफिक्स दिख रही हैं, विच मीन्स कि इस ग्राफिक्स को रन करने के लिए एक पावरफुल सीपीयू आपके पास होना चाहिए। दोस्तों ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि जितनी ज्यादा ग्राफिक्स कहाँ कहीं यूज हो रही होती है तो आपके सिस्टम भी उतना ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, आपका सीपीयू भी उतना ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो यानी जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं उनको रन करने के लिए आपके पास एक पावरफुल सीपीयू होना चाहिए, देन ज्यादा स्पेस वाली रैम होनी चाहिए जहां वो ग्राफिक्स स्टोर हो सके, विच मीन्स कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपका सिस्टम आपके सिस्टम पर बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है। अब इतने बर्डन के बाद आप अगर अपनी कोई कमांड कोई ऑपरेशन जीयूआई के अंदर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो इसीलिए इतनी सारी ग्राफिक्स को भी रन करने के साथ साथ और आपकी कमांड को भी रन करते हुए आपका सीपीयू थोड़ा सा स्लो कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि याद रखें सबसे ज्यादा ग्राफिक्स की चीजों में सीपीयू रिक्वायर्ड होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस को आपने देखा होगा तो वो एक ब्लैक स्क्रीन है, उस पर व्हाइट कमांड्स हैं, उसके ऊपर व्हाइट कलर के कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, कोई ग्राफिक्स नहीं है, विच मीन्स अब आपके सीपीयू की सारी प्रोसेसिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी कमांड्स को एग्जीक्यूट करने में लग जाएगी। तो इस तरीके से हमें पता चला कि CLI is more faster than graphical user interface. इसके बाद जो इसकी अगली डिफरेंशिएशन है वो है स्क्रिप्टिंग। दोस्तों कमांड लाइन इंटरफेस में आपको हर काम टू द पॉइंट करना होता है, किसी फाइल को डिलीट करना है कमांड लिखी डिलीट कर दिया, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में अलग अलग चीजें आपको दिख रही होती हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाती हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं, मुझे यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिख रही हैं, ये मेन्यूज दिख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है ना कि एज अ स्टूडेंट आप आए हैं कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर एक मजे का कोई आइकन दिख गया, कोई ओडेसिटी का कोई फीचर दिख गया, कोई अच्छा सा मतलब आपको जो है कोई कलरफुल सी चीज दिख गई, तो आप जिस मकसद के लिए आप कंप्यूटर यूज करने आए थे उससे हटकर, यानी पढ़ने के लिए आप आए थे और उससे हटकर आप गेम खेलने बैठ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि कमांड लाइन इंटरफेस में आप टू द पॉइंट काम करते हैं, यहाँ आपको कोई अट्रैक्शन नहीं दिख रही है, कोई तस्वीर नहीं दिख रही है, आप आए आपने अपनी कमांड लिखी, कोई फोल्डर क्रिएट करना है आपने डायरेक्ट उस फोल्डर का MKDIR लिखा और उस फोल्डर का नाम लिखा और आपका फॉरन फोल्डर क्रिएट हो गया, यानी यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन नहीं दी, आप आए आपने अपना काम किया टू द पॉइंट काम किया और आपका काम हो गया। जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप आते हैं कोई काम करने के लिए और जब आपको इतनी अच्छी अच्छी मजे मजे की चीजें दिखते हैं, इतनी कलरफुल सी चीजें दिखती हैं, तो आपका ध्यान बढ़ जाता है। तो डियर फ्रेंड्स ये था CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के डिफरेंस। अगले लेक्चर में हम आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का बाकायदा आगाज करेंगे, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये हमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती है और साथ के साथ इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।